स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपना सेशन 45 है ना नॉर्मल वाइज का। अब देखो उसकी क्या थी प्रॉब्लम, क्या थी उसकी पीडीएफ क्लियर नहीं थी, तो उसको मैंने एडिट करके बना दिया ना, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो नॉर्मल इसके आपको क्लियर वर्ड्स में आ गया। देयर थाउजेंड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इट एंड विद द लेटर्स ओ यू एस। हमें मालूम है कि ओ यू एस पे एंड करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, देयर एडजेक्टिव्स। यस, सो ये पहली बात अपने को पता ही है, जो कि इंडिकेट करता है फुल ऑफ, यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ओ यू एस है, यानी कि कुछ ही से भरा हुआ है, एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव के और भी हमने सफिक्सेस लिख लिए थे, एबल, एबल, टी आई सी, एनी अदर, यू नो, यस, ये पढ़ाया हुआ है, बताओ एडजेक्टिव के सफिक्स, ओजुएस, एबल, एबल, एक दो तो और बोलो, ये भी हमने पढ़े थे, इसी वर्ड के लास्ट में आई वी ई आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, ये सब के सब वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश में, राइट। द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्ड्स इन दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ फुलनेस। इस चैप्टर के अंदर जो हम शब्द पढ़ने वाले हैं उनका मेन आइडिया फुलनेस, यानी कि भरा हुआ, इसके आसपास घूमेगा सारा चैप्टर। रिवॉल्व शब्द का मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है ना। एंड यू विल सून डिस्कवर, आपको जल्दी ही पता लगेगा, डिस्कवर का मतलब खोज करना। वैसे तो देयर वर्ड्स इट मींस फुल ऑफ कंप्लायंस। हम कैसे वर्ड्स पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कहा मानना। इंग्लिश भाषा में कॉम्प्लाई शब्द का मतलब होता है जो कहा उसे मानना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पालन करना। आपने किसी से प्रॉमिस किया और आप अपने वर्ड्स को निभाते हो तो आप अपने वर्ड्स को कॉम्प्लाई कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की बात को मान रहे हो, उनकी एडवाइस को कॉम्प्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो एनीथिंग दैट यू फॉलो यू कॉम्प्लाई। तो इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लायंस से भरे हुए वर्ड्स पढ़ेंगे। और एक पेपर में एरर भी आता है या फिल इन द ब्लैंक, कंप्लाई के साथ हमेशा विद लगता है। जिस चीज को आप फॉलो करते हो, मानते हो, निभाते हो, उसके लिए कंप्लाई विद लिखा जाता है। इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्लोज टेस्ट। लाइक आपने किसी को प्रॉमिस किया कि जी मैंने अपने जुबान दे दी, अब तो निभाएंगे इसको, आई कंप्लाई विद माई वर्ड्स, यानी कि कंप्लाई विद, जो कह दिया वो करेंगे, कंप्लाई विद। So there are words that means full of compliance. अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिससे आपको पता लगेगा, कंप्लायंस से भरे हुए शब्द, सर्विलियटी से भरे हुए शब्द पढ़ेंगे। सर्वाइल जो वर्ड है ये कहां से आया था समझते हैं, सर्विलिटी, बताओ सर्विलिटी क्या चीज है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, व्हाट द वर्ड सर्विलिटी इज, यस, सो द सफिक्स इज आईटीवाई, सो कैन यू गेस व्हाट द बेसिक नेचर ऑफ द वर्ड इज इट एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, आई टी वाई वाले वर्ड हमेशा क्या होते हैं, देयर ऑलवेज नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में आई टी वाई लिखा मिले ये हमेशा नाउन होते हैं। नाउ द बेस वर्ड हियर इज सर्व, सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना। सर्विलिटी का मतलब सेवा के भाव से, सर्वेंट का मतलब नौकर होता है, वो भी सेवा ही करता है ना। फुल ऑफ कंप्लेंट्स, full of sorrow, full of noise, full of no money, full of horsemanship, full of harmlessness, full of liquor, deathly pallor and full of Latin. यानी कि इस चैप्टर के अंदर पैलोर का मतलब देख लेंगे हम, कोई बात नहीं। इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स पढ़ने वाले हो वो आपको फुल ऑफ की फीलिंग देंगे, पूरा भरा हुआ, ऐसा मतलब, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या, फॉर ईच ऑफ दीज आइडियाज, जो आइडियाज है हमारे पास है इंग्लिश हैज अ वर्ड, जितने भी इंग्लिश में आइडियाज है हर आइडिया के लिए एक शब्द है। एंड अ पर्सन विद अ रिच वोकैबुलरी नोज द एग्जैक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज फुल ऑफ, अगर कोई चीज भरी हुई किसी चीज से उसके लिए क्या शब्द इंग्लिश में, जो वोकैबुलरी का जानकार है वो जानता है उसके लिए कौन सा शब्द लगाना है। कंप्लायंस, अब पहला हमारा वर्ड क्या है, कंप्लायंस का मतलब होता है मानना। ये वर्ड क्या है, एस सी क्यू यू यू ओ आर, द लैटिन रूट इज सिकोर, मीन्स टू फॉलो, अपनी बात को निभाने के लिए हमारा वर्ड है सी क्यू। एंड डोज हु फॉलो रेदर देन लीड आर यूजी मीनियल, ठीक है ना। मीनियल का मतलब क्या है, जो लीडर नहीं है, लीडर तो हमेशा कहते लेगा ना, मीनियल क्या होता है, जो पीछे चलने वाला कह सकते, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट, यानी कि सहायक कह सकते हो मीनियल, लीडर को सहायता नहीं चाहिए, लीडर आगे चलता है, वो रास्ता बनाता है, और जो पीछे चलता है वो मीनियल है, वो
वो सबोर्डिनेट है। सबोर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो लोग आपके नीचे काम करते हैं वी कॉल देम सबोर्डिनेट्स। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, जो SEQUR सिक्योर जो वर्ड है इसका मतलब है फॉलो करना, और इसे कई सारे वर्ड्स बनते हैं जैसे मीनियल है, सबोर्डिनेट है, या इन्फीरियर पोजिशन, लोअर रैंक्स को बताने के लिए शब्द लिखे जाते हैं। पीपल हु एंगेज इन सर्टेन फील्ड ऑफ एंडेवर, वेटर, क्लर्क, सर्वेंट फॉर एग्जाम्पल। आप बहुत सारे काम है दुनिया के अंदर, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी बन गया, ठीक है ना। तो हर एक फील्ड के अंदर मेहनत है, काम है, एफर्ट है, एंडेवर है। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न। जितने भी दुनिया में एंडेवर के फील्ड है, हर एक के अंदर क्या है, मीनियल पोजिशंस है, ठीक है ना। हर एक में क्या है, सबोर्डिनेट रैंक्स है। जैसे कि वेटर्स, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो तो आपके नीचे वेटर्स काम करेंगे, आपके सबोर्डिनेट्स हैं। आप बैंक में जाओ तो क्लर्क्स हैं, सर्वेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर ऑफन फोर्स्ड एंड अगेंस्ट देयर, मतलब कि यहां से वर्ड क्या बनता है हमारा, ऑब्सीक्यूस। बताओ एडजेक्टिव है कि नहीं। और इसमें जो रूट आ रहा है वो है SEQ या SEQUR, ये फॉलो करना। जो लोग दूसरों की बातों को फॉलो कर, हाँ जी हो गया जी, हाँ जी हाँ जी, भले सामने गलत है फिर भी हाँ जी कर देंगे जी, कर देंगे जी। आप ना तो कहना जानते नहीं, आप चापलूस हो, आप ज्यादा ही बात को मानने वाले, आप क्या हो, ऑब्सिक्यूस। आगे समझ पता लगे कहां से वर्ड आई। हाँ देखो, इनमें से कोई वर्ड पूछने तो बताओ, एंडेवर, इन्फीरियर पोजिशन, सिक्योर, मीनियल, सबोर्डिनेट, कंप्लायंस, कंप्लाई, ऑल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अब